ए हसीना तो बहुत कमाल है, ऐसी हसीना तो कराची भी देखने में नहीं मिलती। ये हमारी पत्नी है जी। वो तेरी पत्नी है? तूने कैसे फंसा लिया इसको? तू बिल्कुल काबिल नहीं है इसके, तू जूती बराबर भी नहीं है तू तो इसके। साले बच्ची है तो। ये मजाक कर रही है, इन्हें मजाक करने की आदत है। बचपन में भी जब नदी में नहाते थे ना तो मैं कपड़े उठा के भाग जाती थी। रिंकू दीदी नमस्ते, मेरा नाम टिल्लू है, ये मेरा नौकर है। अबे हाँ, मेरा मतलब है मैं इनका नौकर हूँ। तूने बड़ा गठीला ते गांठ जैसा नौकर रख छोड़ा है। ऐसे नौकर ना कराची में बहुत देखने को मिलते हैं। अब रिंकू दीदी मैं क्या कह रहा था, अब मेरा भी जुगाड़ करा दो ना कराची में। ओए कराची का नाम ना लियो, कोई शौकीन के हाथ लग गया ना तू रिश्ता भी गांठे खोल देगा। बोले इसकी गांठे खुल जानी है जाके कराची में। दीदी दीदी ओए समाल, संतरे पिचक जाने हैं। संतरे तेरे हाथ से संतरे पिचक जाने ना बेटा। दीदी कहाँ चली गई थी, कितने दिनों के बाद तुम्हें अपने भाई की याद आई, पहले क्यों नहीं आई दीदी, क्यों नहीं आई? ओए मैंने बड़ी कोशिश की थी, मैं आ जावा जल्दी, मैं कोशिश कर दी सी, बदरू जान मुझे दबोच लेंदा सी, कहंदा सी रिंकू ना जा, रिंकू ना जा, रिंकू ना जा। हाय दिया, ये बदरू जान कौन है? हाय मेरा शौहर खाबेंद। आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपका शौहर पूरा जौहर दिखाता होगा। ज्यादा बोलना तेरी यही गांठे खोल दूंगी। ये मेरी 100 की ब्लाइंड, मेरी 200 की ब्लाइंड, ये है गई मेरी 300 की, तेरी 300 की, मेरी 500 की ब्लाइंड। मैं देख ही लेता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं पैक कर रहा हूँ। ये तो गए गड्डी, अब हम तो बचे मेरी जान, चल ले मेरी भी 700 की हो रही है, शो कर दे। अब शो कर दूँ? कर दे। ला 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 बेगम बेगम बेगम, तीन तीन बेगम, सारा पैसा मेरा। उसमें दो कौड़ी के आदमी, देख ले देख ले। तीन बादशाह। देख रहे हो मास्टर, इन लौंडों की यही आदतें मुझे बड़ी खराब लगती है, जहां बैठेंगे काम धाम कुछ नहीं करना, सारा दिन पत्ते खेलना। इनके अंदर संस्कार नाम का चीज ही नहीं है। ओ अंकल सब सुन रहा हूँ मैं, जैसे तुम्हारा काम स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है ना, और डॉक्टर साहब जैसे आपका काम क्लिनिक में उल्टे सीधे इंजेक्शन लगा के मरीजों को बेवकूफ बनाना है, वैसे ही हमारा जो काम जुओ खेलना है। अरे उस ज्योतिष ने कुछ भी बोल दिया और तुम मान लोगे? अच्छा कल को कहेगा कि वो मास साहब के जो है ना हाथ पैर तोड़ दो, तो तोड़ देंगे हम तुम्हारे अंदर। चुप करो। तुम्हारे अंदर हमारे अंदर बहुत है गो, तुम्हारे अंदर हमारे अंदर, क्या तुम्हारा यही काम है दूसरे के काम धंधे में टांग अड़ाना है? अपने ये तुम्हारे अंदर हमारे अंदर की जो पुड़िया बना के पिछोली जेब में डाल लो। वैसे ये लौंडे बिल्कुल सही कह रहे हैं मास्टर, हाँ तुम्हें दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। अरे भाई ये प्रेम, आज के जमाने में इंसान जब तक दूसरे के मामले में टांग ना अड़ा दे तब तक कुत्तों को खाना हजम नहीं होता। तो बिल्कुल सही कह रहा है लौंडे। देख रहे मां सब, उस ज्योतिषी के चक्कर में इन लौंडों की जुबान दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, बदतमीज होते जा रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारे बच्चे, हमारे बच्चे। अरे अम्मा जी क्या हो गया? अरे बच्चे, हमारे बच्चे। अरे अम्मा जी, अरे बुड्ढे दर मेरे पे गिर गए। अरे अम्मा क्या हो गया? टेट ने बोल गई अम्मा। अरे अम्मा देखिए ना, आओ तांत्रिक आओ जल्दी से आओ। एक मिनट अम्मा, अम्मा की सांसें चल रही है ना डॉक्टर साहब? सांसें तो चल रही हैं, मुझे लगता है बेहोश हो गई। टिल्लुआ हाँ मेरी सांसें जा रही हैं। हाँ उठाओ अम्मा को, उठाओ भाई, उठाओ उठाओ आप प्रेम भाई, आओ सोते अम्मा। मोड़ मोड़ कहो अम्मा को, सुन जल्दी कर जा रहे ना, अम्मा टाइम हो जाएगी। अबे बावले अम्मा को टाइम ही बोलने देंगे, ऊपर वाले होश में ला दे अम्मा को। अरे 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 अम्मा,
तुम कहीं से कहां लेके जा रहे हो तुम लोग हैं? अरे अम्मा काहे लौंडो को मार रही हो? आप बेहोश हो गई थी, एक तो बेचारे ठेले में लिटा के आपको हमारे क्लिनिक ले जा रहे हैं। हम तो सोचे कि आप कि हम तय बोल गए। अरे अपनी बेटी से मिले बिना तय नहीं बोलने वाले हैं, समझे? आपकी बेटी? ये कब हुई? जब तू बित्ते भर का था ना तब पैदा हुई, समझा? चल भागो यहाँ से। यू अम्मा एहसान फरामोश। तुमसे का भूल हुई जो ये सर। अरे क्या 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 तमाशा है यार ये? अरे क्या हो गया आपको? अरे कछु नहीं, हमारी बेटी आ गई है। ओहो क्या बात है, मतलब इस उम्र में भी आप जो है काफी एक्टिव है। तो कर ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ, समझे ना? हमारी बेटी हमारे बैल से भी 2 साल बड़ी है। अच्छा, देखे हमने तो उसे कभी नहीं देखा। अरे तुमने कहा किसी ने भी नहीं देखा है, जब छोटी थी ना तो कुंभ के मेले में बह गई थी पानी में। ओहो, आज जाके मिली है। अरे डॉक्टर हमको मदद करो जरा उतरने में, पकड़ो। हाँ चलो आ जाओ, आ जाओ। अरे हमको नहीं, ठेला को पकड़ो। अरे यार इनका भी अपना, हाँ चलिए। मैं क्या किस गाल दी दे रही है, छेती छेती करवाओ ना, और बहन से राखी तो बंधवाओ, खत्म करो कहानी। दीदी मैं थोड़ी देर और रुक जाते हैं, अम्मा वो पहुंचने वाली है। ओए अम्मा आंदी रहेगी भाई, तू राखी तो बंधवाना बहन से। सुनिए सुनिए ननन जी, वो हम का बोल रहे हैं बुरा ना ही मानिएगा, अम्मा जी कॉल करके बोली हैं कि जब तक हम ना ही आए रिंकू को बोलना हमरा इंतजार करे, हमरे सामने ही राखी बांधे। वो कहा है ना, वो इतने साल बाद आप दोनों को साथ में देखेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी, वो बहुत आशीर्वाद देंगी। हम आ गए, हम आ गए, हमरे बच्चे रिंकू, हम आ गए, हम आ गए। ओए अम्मा, हमरे फूल जी बच्चे रिंकू, तू तो वैसी की वैसी अम्मा, तू एकदम नहीं बदली। हाँ लेकिन अरे तुमका क्या हो गया है? वो लोग खत्म कर रेगिस्तान के रेत के ऊपर सुखाते थे का? इतना सख्त काहे लग रही है? ओए अम्मा कराची में ना मुझसे बहुत काम कराया लोगों ने, इसलिए मैं सूखी पड़ गई। हम कराची कैसे पहुंच गई? मैं क्या बताऊं, मैं बहते बहते कराची पहुंच गई। वहां पे कुछ मछुआरे ना जाल डाल के बैठे थे पानी में मच्छी पकड़ने के लिए, और मैं एक मछुआरे के जाल में फंस गई। हाँ जी, उस मछुआरे ना मुझे बड़े प्यार से ना जाल से निकाला, और निकाल के ना मेरे साथ निकाह पढ़ा लिया। हाँ? राम, शादी कर लिया? और शादी के मेरे थे 12-12 बच्चे हैं, हर साल एक कैलेंडर छापता था मेरे साथ। हाँ? अनन जी तो कुछ काम धंधा करता है कि नहीं? और दो ही काम करता सी, दिन मछली दबोचता सी और राती मैंने दबोचदा सी। तो बहुत ही दबोचक किस्म का आदमी निकला है। हमारे हाथ अगर पड़ जाए ना तो हम ऐसा दबोचेंगे, ऐसा दबोचेंगे। ओए अम्मा चिंता ना कर, मैं पहले ही दबोच के आई हूँ उन्हें। अच्छा, अतः हमारे नाती नातिन सब कहाँ हैं? सब कराची च हैं। 8 बच्चों की मैंने शादी कर दी है। हाँ, उन 8 बच्चों के 8-8 बच्चे हैं। हाँ। और 4 बच्चे कुमारे घूम रहे हैं। हम चारों को लेके आना चाहिए था ना। मैं बहुत क्या बहुत क्या, मैं चलो नानी दे कोल, चलो नानी दे कोल चलो। हाँ। मैंने उनको तुम्हारी फोटो दिखाई अम्मा। हाँ। बच्चे डर गए।